मारुति सुजुकी इंडिया आने वाले हफ्तों में अपडेट बलिनो हैचबैक कार को लॉन्च करने की पूर्ण रूप से तैयारी कर चुकी है। जी हाँ, जिस कार का था आप सभी को इंतजार, फाइनली वो घड़ी आने वाली है जब इस कार को भारत में आप सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि नेक्स्ट जनरेशन बलिनो को भारतीय बाजार में हम सभी के लिए हाई टेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन करके लाया जा रहा है, जिसके तहत इस कार को काफी ज्यादा मजबूती का पैमाना भारत में मिल चुका है और ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट मानकों के अपडेट के चलते इस कार को भारत में पूरे 5 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है, जो कि हम सभी ग्राहकों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इसके ऑफिशियल टीजर वीडियो को पूर्ण रूप से आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं और पहले टीजर इमेजेस को भी इंटरनेट पर जारी किया जा चुका है। इमेजेस में पता चलता है कि इस कार के लुक में आप सभी को फ्रंट में फ्रंट ग्रिल और यूनिलाइटिंग हेडलैम्प्स ऑप्शंस दिखाई देने वाले हैं। स्लिक लाइट द्वारा संचालित किए गए इस कार को काफी खूबसूरती फार से प्रदान कर रही है। साथ ही साथ कार में डीआरएल्स और फॉग लैंप्स और स्पिलिटी ऑप्शन को संचालित किया गया है। इसके चलते रात में आप सभी को बिल्कुल क्लियर व्यू दिखने वाला है, यानी अब पूर्ण रूप से लाइटिंग का प्रदर्शन इस कार में आप सभी को मिलता है। साथ ही साथ इस कार में नए हेडलैम्प्स, डीआरएल्स और फॉग लैंप्स और असेंबलिंग ऑप्शन दिखाई देते हैं। नई 2022 की आने वाली मारुति बलिनो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन कंपनी ने गुजरात स्थित प्लांट में ही कर दिया है। साथ ही साथ कुछ चुनिंदा नेक्सर डीलरशिप पे इस जबरदस्त नेक्स्ट जनरेशन बलिनो की प्री बुकिंग भी ली जा रही है। अगर आप सभी ने अभी तक इस कार को बुक नहीं किया है तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप सभी को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कार के स्पेसिफिकेशन से लेकर इंजन और फीचर्स क्या कुछ खास आप सभी को नए बलिनो में दिखाई देते हैं। इसके दौरान भारत में ये कार नंबर 1 पे बनी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट जनरेशन बलिनो की इंजन ऑप्शन की तरफ गौर किया जाए तो इस बार प्रीमियम हैचबैक कार को नए डिजाइन और नए फीचर्स के साथ ही साथ तैयार करके भारत में लाया गया है। साथ ही साथ इस कार में इंजन स्टेटस को अपडेट करते हुए नए इंजन का इस्तेमाल कंपनी ने किया है, जो कि वाकई में ही आप सभी को चौंकाने वाला है। मॉडल में आप सभी को 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर यूको टेक्नोलॉजी से लेस टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिखाई देता है। भारत की सड़कों पे अधिकतम आप सभी को 83 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 110 न्यूटन मीटर के अपडेट टॉर्क पर जनरेट कर पाने में ये इंजन क्षमता रखता है। इसके अंदर आप सभी को मैनुअली नहीं बल्कि 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। माइलेज की पूर्ण रूप से बात करी जाए तो कंपनी का दावा है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन बलिनो फ्यूल एफिशिएंट के साथ काम करती है, यानी कम पेट्रोल के लागत को चलते हुए पेट्रोल की बढ़ती कीमत को टक्कर देने के लिए कार 28 से 32 किमी के आसपास आप सभी को माइलेज प्रदान करती है। साथ ही साथ आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि नेक्स्ट जनरेशन बलिनो को एक जबरदस्त इंजन ऑप्शन के साथ भी अपडेट किया गया है, यानी नेक्स्ट जनरेशन विकल्प में आप सभी को दो इंजन ऑप्शन के साथ मार्केट में दो वेरिएंट बलिनो के दिखाई देने वाले हैं। कार में आप सभी को एक और 1.2 लीटर का ही पेट्रोल के साथ 12वीं माइल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पावर स्टेन ऑप्शन के साथ ही इस इंजन को संचालित करके कार को डेवलप किया गया है। इस जबरदस्त हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कार के वेरिएंट के अंदर आप सभी को 5 स्पीड AMT ऑप्शन विकल्प ही मिलता है। पावर की बात करें तो ये जबरदस्त माइब्रिड हाइब्रिड पे आप सभी को 98 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 120 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। तो देख सकते हैं कि बलिनो के दोनों वेरिएंट में आप सभी को नए इंजन ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं। डिपेंड आप पे कि आप अपनी जेब पे नासा डालते हुए कौन से वेरिएंट को अपने लिए बाय करें। अब बात कर लेते हैं कार के कुछ एडवांस फीचर और स्पेसिफिकेशंस की। इंटीरियर तथा एक्सटीरियर 2022 बलिनो के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट की बात करें तो नए 2022 मॉडल में आप सभी को एंड्रॉइड ऑटो तथा एप्पल कारप्ले सपोर्ट कनेक्टिविटी वाले एडवांस फीचर्स फ्री स्टैंडर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एक नया डिजिटल EWT ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि डैशबोर्ड पर संचालित किया गया है। इस कार में आप सभी को 9 इंच का टच स्क्रीन ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें आप सभी को सारे लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम यानी वॉइस कमांड से भी इस कार को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी अच्छा अनुभव है। हैचबैक को हॉर्सिंग पावर के साथ HUD और कनेक्टिविटी कार तकनीकों के साथ भी पेश किया जाएगा और ऐसे वेरिएंट में अब आपको रूफ रील्स के साथ सनरूफ की सुविधा भी इसके टॉप वेरिएंट में दिखाई दे सकती है। यानी फाइनली अब हैचबैक कार में भी मारुति सुजुकी ने अपने सनरूफ को अपडेट किया है,
जो कि वाकई में ही काफी जबरदस्त बात है। डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड को ब्लैक कॉम्बिनेशन तथा सिल्वर लेदर अपहोल्ड के द्वारा अपडेट करते हुए फिनिशिंग दी गई है, जो कि कार के डैशबोर्ड को वाकई में ही एक आकर्षक लुक प्रदान करती है। इसके अंदर आप सभी को दोनों साइड ऑटोमेटिक एसी वेंट्स 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो आप सभी की प्यूरिफाई करके वायु को पूर्ण रूप से स्वच्छ करने वाला है। साथ ही साथ हार्मन्स के 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन जो कि आपकी राइड को और भी ज्यादा मनोरंजन बनाने वाले हैं। कार में आप सभी को साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है, यानी फोन को अब तारों की जरूरत नहीं है बल्कि फोन को डैशबोर्ड पर रख के पूर्ण रूप से चार्जिंग का प्रदान कर सकते हैं। कार के अंदर कंफर्ट की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन बलिनो को पुराने मॉडल जैसा ही काफी कंफर्ट और भी ज्यादा अपडेट करते हुए दिखाया गया है। कार की सीटों पे अपहोल्ड सीट्स का इस्तेमाल हुआ है। फिन लेदर के चलते कटने फटनों से सीटों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, यानी अब मजबूती के साथ इस कार की सीटों को और भी कंफर्ट बनाया गया है, जैसे कि महंगी महंगी कारों में आप सभी को इंटीरियर दिखाई देता है। कार की सीटों में सबसे खास बात यह है कि अपहोल्ड सीट को आप निकाल भी सकते हैं और 360 तक फोल्ड करके भी बूट स्पेस को काफी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन बिलोनो में 5 से 6 लोग आसानी से बैठ के सफर कर सकते हैं। बैठने के बावजूद भी स्पेस रखने का ऑप्शन आप सभी को काफी अच्छा इस कार में मिलता है। एक्सटीरियर की बात करें तो 2022 मारुति बलिनो नेक्स्ट जनरेशन में एक नया बड़ा फ्रंट ग्रिल के साथ ही साथ आप सभी को LED डियरल्स के साथ L आकार का रेप्लिका प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑप्शन दिखाई देते है और रिवाइंडिंग बोनट ऑप्शन के साथ दूसरे कॉस्मेटिक अपडेट के एक्सटीरियर फ्रंट और रियर फेदर, नए एल आकार के टेल गेट और नए डिजाइन के गए फ्रंट और रियर बम्पर को शामिल किया गया है। साथ ही साथ कार में 16 इंच के डायमंड कट स्टेनलेस स्टील से अपडेट किए गए एलॉय व्हील कंपनी ने साझा किया है, जो कि इस कार को वाकई में ही काफी मस्कुलस लुक भारत में प्रदान कर रहे हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो बलिनो का नेक्स्ट जनरेशन विकल्प का ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा किया गया है, जिसके चलते ऑफ रोडिंग के दीवाने भी इस कार को अब अपने लिए खरीद सकते हैं। यानी उबड़ खाबड़ ग्रामीण क्षेत्र या फिर ऑफ रोडिंग के लिए ये कार आप सभी के लिए ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ अब आ चुकी है। साथ ही साथ कार के साइड प्रोफाइल में आप सभी को नए हैंडल बार क्रोम फिनिशिंग के साथ न्यू सुजुकी का बड़ा लोगो दिखाई देता है, जो कि वाकई में इस कार के ब्रांड को देखने के बाद आप सभी के होश उड़ने वाले हैं। यानी नेक्स्ट जनरेशन बलिनो को वाकई में ही जबरदस्त लुक भारत में नए अवतार में दिया गया है, जो कि आप सभी को एक ही नजर में अपना दीवाना बना लेगा। तो अगर आप छोटी हैचबैक कार के दीवाने हैं तो ये ऑप्शन आप सभी के लिए काफी बेटर है। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो जी हाँ, सेफ्टी फीचर्स भारत में एक अहम भूमिका कार के अंदर निभाता है। हर कोई ग्राहक चाहता है कि हमारी कार में ऐसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स हो जो कि प्रीमियम तरीके से काम करे और साथ ही साथ आप सभी को एक सेफली राइड प्रदान करे। तो सेफ्टी फीचर्स के मामले में इस कार को ग्लोबल तथा क्रैश टेस्ट मानकों के तहत 5 रेटिंग मिल चुकी है। साथ ही साथ इस कार को हाईटेक प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते हुए 70% तक स्टेनलेस स्टील बॉडी से तैयार किया गया है, जो कि आप सभी को मजबूती का पैमाना इस कार में देने वाली है। कार के अंदर आप सभी को पूरे 4 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, ABD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, माउंटिंग कंट्रोल, स्पीड अपडेट सिस्टम के साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम भी देखने को मिलता है। कार में आप सभी को IFSO फिक्स्चर लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल से लेकर क्लाइमेट कंट्रोल, टेक्शन कंट्रोल जैसे बेहतरीन प्रीमियम कारों वाले इंटीरियर नेक्स्ट जनरेशन बलिनो में अब अपडेट किए गए हैं। तो अंदाजा अब यहीं से लगा सकते हैं कि इस कार को कितना ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन विकल्प में अपडेट किया जा चुका है। बढ़ते समय को देखते हुए और सही फ्यूचरिस्ट डिजाइन के चलते इस कार को एक बेहतरीन लुक मार्केट में दिया गया है, जो कि वाकई में ही अभी तक भारत में इस कार की चर्चाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि मारुति सुजुकी की कारों के लिए लोग वाकई में ही क्रेजी है। तो बुक करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।